रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने केंद्र सरकार को देश के गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से सबक लेते हुए जनता से माफी मांगने की नसीहत दी है। अभिषेक राणा ने कहा कि वर्ष 2016 में सरकार ने नोटबंदी ये जुमला कहकर लागू की थी कि देश में व्याप्त फेक करेंसी रैकेट का पर्दाफाश होने के साथ ब्लैक मनी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की बात कही थी, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की बजाय और बढ़ गया है। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने केंद्र सरकार को देश के गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से सबक लेते हुए जनता से माफी मांगने की नसीहत दी है। अभिषेक राणा ने कहा कि वर्ष 2016 में सरकार ने नोटबंदी ये जुमला कहकर लागू की थी कि देश में व्यापक फेक करेंसी रैकेट का पर्दाफाश होने के साथ ब्लैक मनी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही थी, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बजाय और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 व 2018 में ही 2000 रुपए के 56% नकली नोट जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि NCRB के आंकड़ों ने ही सरकार के दावों की पोल खोल दी है। अभिषेक राणा ने कहा कि 2000 रुपए की फेक करेंसी पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए कि आखिर सरकार की नोटबंदी के निर्णय में कहां गलती हो गई, ऐसी क्या खामियां रही जिससे इतनी बड़ी संख्या में नकली करेंसी पकड़ी गई, आखिर क्यों नकली करेंसी का कारोबार क्यों नहीं थमा। नोटबंदी को सरकार सही तरीके से लागू नहीं कर सकती थी तो निर्णय लेने में इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखाई गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब NRC व CAA लागू कर इन्हें भी देश हित में बता रही है, जबकि अगले कई सालों तक देश की जनता को इन थोपे गए निर्णयों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन निर्णयों से देश की जनता को लड़ाने का मसौदा तैयार किया है। हर राज्य में इन निर्णयों का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार अपनी धुन में मस्त होकर जनता को भ्रमित करने को लेकर जनता के बीच अपना पक्ष रख रही है। उन्होंने कहा कि झूठ का बांडा फोड़ आखिर होकर ही रहता है। 2016 में 8 नवंबर रात के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री ने देश को ये भरोसा दिलाया कि 500 और 1000 के नोट इसलिए बंद किए जा रहे हैं ताकि देश के अंदर जो आतंकवाद है, जाली करेंसी है, भ्रष्टाचार है या काला धन है, इन सब के ऊपर लगाम लगाने के लिए फैसला देश हित के अंदर किया जा रहा है। आज जब गृह मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत ये आंकड़ा आता है सामने कि 2017 और 18 में जाली नोट 2000 के नोट जो है लगभग 56% के आसपास पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े जा रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल का जवाब देना होगा कि जो आपने उस समय लोगों को गुमराह किया और आज ये नतीजे सामने आ रहे हैं तो नोटबंदी के ऊपर बहस क्यों नहीं की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये बताना होगा कि देश के कोने कोने में CAA और NRC और NPR को लेकर जो विरोध हो रहा है, आप देश को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, देश की जनता जाग उठी है और आने वाले समय में देश की जनता आप सबको मुंह तोड़ जवाब देगी। नहीं आएंगे तो देखिए सर, ये मैं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा गया है। मुद्दा जो है वो NRC को लेकर और NPR को